असलम दोस्तों, मेरा नाम सुमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सुमान टेक बॉय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह इस तरह का प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो दोस्तों, इसलिए आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। तो दोस्तों, ये लोगो है जो ये आपको मैं पिक्सल लैब में बना बताऊँगा कि आप पिक्सल लैब में किस तरह का ये लोगो बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है कि वीडियो एंड तक लाजमी देखना है। और पिक्सल ऐप अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाकर और यहाँ पर सर्च करें पिक्सल लैब। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे ऊपर वाली जो एप्लीकेशन आ रही है पिक्सल लैब, आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आज की इस एप्लीकेशन में आपको इस तरह का प्रोफेशनल लोगो बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये लोगो से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने से आपको सारा तरीकेकार आ जाएगा। अगर आप ये लोगो बनाना सीख जाएंगे तो आप अपने चैनल के मुताबिक जो सा मर्जी भी लोगो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए देखते रहिए वीडियो का एंड तक। और आपको अब लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको मुकम्मल मेथड बताऊँगा आप इस पिक्सल लैब पर किस तरह प्रोफेशनल लोगो मेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने से वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको भी यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने शेप के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने टी बनाना, सबसे पहले टी बनाना है। तो टी बनाने के लिए इसको यहाँ पर कट आउट करेंगे, थोड़ा सा टी की तरह यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इतना करके क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है, इसका कलर चेंज करना है थोड़ा सा। तो कलर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रेडिएंट पर क्लिक करेंगे और वाइट वाला ये कलर कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं, क्वाड़ी कलर को यहाँ पर हाफ ब्लैक कर लेते हैं और हाफ वाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कर लेते हैं टिक। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका लेना है आपने कॉपी। तो कॉपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसका आ जाएगा कॉपी। तो दोस्तों, आपने इसको यहाँ पर ले आना है ऐसे और इसको ऐसे रिलेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और रिलेट करने के बाद इसको यहाँ पर आपने सेटअप कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सेटअप तो इसको कर लेना है। यहाँ पर इसको टी का जो है आपने थोड़ा सा आपने टी को बड़ा कर लेना, टी वाले ऊपर वाले ऑप्शन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे मर्जी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज को भी इस तरह बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने काम कर लिया। अब इसको थोड़ा इसके बराबर करते हैं, जितना वो ऊपर वाला बराबर है। ठीक है दोस्तों, इतने इसकी ऊंचाई करते हैं। अब दोस्तों, आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको ला कर सेटअप कर देना। इस तरह दोस्तों आपने इसको कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आप देखेंगे रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन जैसे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर अभी क्लिक करेंगे तो ये भी बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा आपका। अब दोस्तों, आपने इसे क्या करना है, यहाँ पर टू फ्रंट तो आ रहा है, टू बैक कर देना। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा बैक। तो दोस्तों, टी हमारा यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों, अब टी में हमने क्या काम करना है दोस्तों, ये आपने समझने वाला काम है आपके लिए। यहाँ पर आपने दोबारा शेप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से एक आपने बॉक्स लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाना छोटा सा और इसे कर लेते हैं टिक। और दोस्तों, यहाँ पर इसने इसका कलर आपने चेंज कर देना। ठीक है दोस्तों, इसका रेड कलर कर देना आपने। और इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर इसे ला कर सेटअप करना इस तरह ऐसे इसको। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने यहाँ पर इसे ला कर इस तरह सेटअप करना और लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना, ये जो साइड पर साइन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने करना है इसे मर्ज्ड। तो टिक कर देंगे इन तीनों को और जो तीसरे नंबर वाले के ऊपर क्लिक करना है, तो इसको ओके कर देना, ये आ जाएगा अब मर्ज्ड। तो यहाँ पर इसका मर्ज्ड का मतलब ये है, ये एक ही चीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमने ये रेड कलर रिमूव करना है, यानी यहाँ पर हमने एक कट लगाना जिस तरह आपने लोगों में देखा।
तो कट लगाने के लिए यानी मूव करने के लिए यहाँ पर हम अरेजर कलर करेंगे। अरेजर कलर करने के बाद इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको वन के साथ पेंसिल का निशान आ रहा होगा नज़र, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल डायरी के ऊपर यहाँ पर ला कर रख लेना है। इस तरह यहाँ पर इसके डायरी के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर टिक कर देना। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारा जो है डायरी कलर हो गया रिमूव। अब दोस्तों यहाँ पर इसको टिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अब फिर क्या करना है, इसको दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन अगर नज़र आ रहा होगा तो क्रॉप के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसे क्रॉप कर लेना है ऐसे। ओके बंद करने के बाद यहाँ पर इससे जाहिर सी बात टिक कर देंगे हम और इसको ले आएंगे नीचे। अब नीचे लाने के बाद यहाँ पर इसकी पोजीशन हम कर देते हैं चेंज, ठीक है दोस्तों। और इसको यहाँ पर हम ला कर इस तरह सेटअप कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बन गया टी। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ये हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा कटआउट करना साइड से, ठीक है दोस्तों। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा टी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम टिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेंटर में ये लाइन दिखते और आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा होगा टी क्लियर। तो अब इसका यहाँ पर हमने कलर चेंज कर देना, ठीक है। तो कलर हमने कौन सा करना है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर टिक करना आपने, फिर ग्लैंड के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने ब्लू कलर ढूंढना, डार्क ब्लू इस तरह का कर लें या फिर आप इस तरह का कर लें, ये कलर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसके प्लस के ऊपर साइन करना आपने, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे शेडो में लाना ताकि थोड़ा सा क्लियर लगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया काम, इतना सा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने टी के ऊपर क्लिक करना दोबारा, इसके पहले थोड़ा सा अच्छे से सेटअप कर लें, ठीक है दोस्तों पहले। तो ये हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिल्टर के ऊपर जाएंगे, कलर फिल्टर के, कलर फिल्टर के ऊपर जैसे ही जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप कलर फिल्टर के बाद यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस ब्राइटनेस तेज़ करें, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनस कर लें और यहाँ पर कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो आपका टी बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल वाइट हो गया। अब यहाँ पर इसको करते हैं टिक। अब यहाँ पर हमें ला कर रखना है फोर दोस्तों। तो यहाँ पर बस हमारा इतना सा काम था, टी तो हमारा हो गया। अब इनको मर्ज कर देते हैं एकदम से। यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक किया और टिक किया और यहाँ पर इनको क्लिक कर दिया मर्ज्ड। ये आपका हो गया टी तैयार। बस आपने टी ही तैयार करना, बाकी आगे ऑटोमेटिक आपका लोगो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ आगे क्या होगा, आपके आपका किस तरह लोगो बनेगा। तो यहाँ पर आपने ए के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। जैसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना, यहाँ पर इसको कट कर देना और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है फोर, डन कर दिया, ओके करें। यहाँ पर नीचे जाए, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो साइज को हमने बढ़ा लिया। यहाँ पर इसका फॉन्ट हमने चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए ए बी के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जब से जो सबसे ऊपर वाला जो मैं फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे ऊपर लाइन पर ले कर रहा हूँ पहले नंबर पर, आपने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आपको बी स्टाइल नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और बी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा फॉन्ट मोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको सेटअप कर लें, तो इसका भी हम कलर चेंज करते हैं। अब कैसे, यहाँ पर कलर के ऊपर जाते हैं,
तो ग्लैंड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हमने कोई भी कलर इसका सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करें और थोड़ा सा इसको हाफ़ ये कर लें, हाफ़ वो कर लें। ठीक है दोस्तों, टिक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों यहाँ पर आप इसका एम्बॉस भी लगा सकते हैं, अगर एम्बॉस लगाना चाहें। यहाँ पर आप देखते हैं एम्बॉस, एम्बॉस अगर आप लगाएंगे तो अच्छा और हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर एम्बॉस लगाने से कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एम्बॉस लगाने से कटर है, ये प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी पिक्सल लैब में, ये फिर आपको कभी सोल्यूशन बताऊँगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपने इसको कर देना टिक। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ा सा टी अपना छोटा, यानी साइज में थोड़ा सा छोटा कर लें टी। ठीक है दोस्तों, फोर को यहाँ पर लाकर सेट कर देते हैं हम। ये हमारा हो गया दोस्तों इतना सा काम। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टीक थोड़ा सा और छोटा कर लें, अभी भी बड़ा लग रहा है। तो दोस्तों डी और फोर हमारा हो गया रेडी। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों बाकी मेथड बताता हूँ आपने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर इसको दोनों को मर्ज कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों मर्ज। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पीएनजी सेव की हुई है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ प्लस इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इंपोर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पीएनजी डाउनलोड की होगी। मैं गैलरी पर जाता हूँ और गैलरी पर जाकर एल्बम के ऊपर क्लिक करता हूँ। एल्बम के क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये मतलब मैं डाउनलोड किया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पर आप सर्कल के ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी सर्कल आपका जो बैक रिमूव है वो रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद, और टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और इसे आपने यहाँ पर लाकर इसका साइज को बड़ा कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर लाकर इसको सेटअप कर लेना और यहाँ पर आपने करना टू बैक। जैसे टू बैक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका इसके अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि बराबर हो जाए थोड़ा सा। आप इनको भी थोड़ा सा छोटा और कर सकते हैं। ठीक है तो ये आ गया हमारा तैयार। अब यहाँ पर ए फोन पर क्लिक किए जाते हैं, यहाँ पर प्लस फोन करते हैं यानी टेक्स्ट करते हैं। तो पेंसिल के ऊपर निशान पर शो करेंगे, यहाँ पर मैं अपना लिखता हूँ नेम। ये नेम मैंने लिख लिया दोस्तों, तो यहाँ पर लाकर मैं अपना नेम भी सेटअप कर लेता हूँ। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ अपने नेम का और यहाँ पर मैं इसका कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा सा सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना फ़ॉन्ट कोई भी। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सर्कल से सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लें और मज़ीद ताकि साइड के कॉर्नर पर लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया सर्कल रेडी। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ये फ़ॉन्ट है जो। और टी और फोर को थोड़ा सा हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर इतना लोगो मुझे नहीं मुकम्मल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, छोटा सा काम। यहाँ पर अब इसको फिर लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाने के बाद इन तीनों को फिर मर्ज कर देंगे। मर्ज किया, ओके किया दोस्तों यहाँ पर लेयर को हटाया और दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट के आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपने करना स्केयर, स्केयर को आपने क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लोगो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप चाहें तो इसका थोड़ा छोटा सा साइज भी कर, साइज भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं और इनको यहाँ पर कॉर्नर मिलाएंगे, इनके चारे कॉर्नर
तो आपका यूट्यूब पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सही से लोगो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी समझ लग गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब तो दोस्तों अब यहाँ पर आपने छोटा सा ही काम डाके जो हमने करना है, फोन नंबर पर आपने क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर कलर के साथ ट्रांसफ़र एंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो साइड से है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, क्वालिटी भी अपनी यहाँ पर क्लिक सकते हैं। कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेरी हाई क्वालिटी भी आप कर सकते हैं और सेव टू गैलरी कर दें। तो दोस्तों इस तरह का आपका ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जैसे ये ऐड ख़त्म होता है, आपके एक और इसमें एक बात बता दूँ जो कि आपके लोगों की एक लुक बना देगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही ऐड लगता है यहाँ पर मैं हटा कर आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पर क्या करें। यहाँ पर दोस्तों आप फ़िल्टर पर जाएं, यहाँ पर फ़िल्टर कलर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे ह्यू भी लगा सकते हैं। जब फ़िल्टर चल तो आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बीतनेस को भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा बीतना कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपका ये और अच्छा लगेगा लोगों। ठीक है दोस्तों, आप ये भी तरीकाकार कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लोगों बनाने की सारी समझ लग गई होगी। दोस्तों आप इस तरह टूल को इस्तेमाल करके आप अपने मुताबिक जिस तरह का मर्जी लोगों बना सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको मैं ये समझाऊंगा कि आप काइंड मास्टर में यूट्यूब वाली किस तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।